okay students we were studying about the classification of a computer based on their type purpose and size we have already discussed the classification of computer based on the type that is of three types so analog computer digital computer and hybrid computer today we are going to study the classification of a computer based on its purpose ओके देन इट इज डिवाइडेड द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स दैट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड द अदर वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आद द कंप्यूटर जिनको बनाया जा रहा है किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको क्या कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं ट्रैफिक लाइट्स में यूज़ करते हैं अंतरिक्ष की जानकारी के लिए कंप्यूटर बनाते हैं मौसम विभाग की जानकारी के लिए या फिर उपग्रह का संचालन के लिए हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर वही कंप्यूटर होते हैं जो हम तुम अपने घरों में यूज़ करते हैं जनरली कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कोई लेटर क्रिएट करने के लिए या नॉर्मल जनरल सर्चिंग ब्राउजिंग करने के लिए इनको क्या कहते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर करते हैं ठीक है अब आते क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन इट साइज कंप्यूटर के साइज को देखते हुए उसको बांटा गया है मेन चार पॉइंट्स में सुपर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर बट इसके अलावा हम डेस्कटॉप को भी इसका एक टाइप मान सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है लेटस डिस्कस अबाउट इट सुपर कंप्यूटर बेसिकली जो कंप्यूटर होते हैं इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे सी यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा हम इसमें सी यूज़ करते हैं और इसी वजह से इसमें एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं अब क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है तो ये महंगे होते हैं और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है ठीक सिमिलरली माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो वजह से बोलते हैं एक तो ये छोटे होते हैं और दूसरा इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है ये छोटे होते हैं इतने छोटे होते हैं जैसे हमारा स्टडी टेबल हो गया या कोई केस वगैरह हो गया ठीक है ये नॉर्मल हमारा जो डेली यूज का वर्क होता है या हम घर में जो काम करते हैं वो सारे काम करते हैं और इनको एक टाइम में एक ही इंसान यूज़ कर सकता है ठीक है मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है ये मेमोरी अच्छी खासी रखता है माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है लेकिन ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर बैंक वगैरह हैं वहाँ पे मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है क्योंकि फास्ट होता है ठीक है मेन फ्रेम कंप्यूटर आदा कंप्यूटर जिनकी गति मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है और उनकी कैपेसिटी भी मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है ये एक बार में बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हैं प्रोसेस करते हैं इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बैंक bank, पूरा बैंकिंग सिस्टम है रेलवेज है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ है वहाँ पर मोस्टली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ओके डेस्कटॉप जनरल लैंग्वेज में डेस्कटॉप सबको पता है जो डेस्क पे रखा होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं इसमें मॉनिटर कीबोर्ड माउस वगैरह होता है ठीक है सी होता है इसकी आ, जो कीमत होती है वो बाकियों के कंपैरिजन में कम होती है बट इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना मुश्किल होता है दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासीफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर ये एक समरी है जो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर जो कि हमने अभी पढ़ा है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी आई एम अवेलेबल थैंक यू